हैप्पी बर्थडे पूजा. थैंक यू. अच्छा बिलेटेड हैप्पी. So, Nilufer, we are going to cut the cake now. Haan, yeah. First, we'll cut the cake. Let them take the visuals. Okay. Theek hai, and you can like feed the cake to the camera as well. Okay. Theek hai, it will look good. And then just like. Should we start? Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Pooja. Happy birthday to you. You guys. Nice cake. Okay. हाँ जी. ये वो थोड़ा कैमरे में दिखा दीजिए इसे. अच्छा कैसे? कैमरे के से. Just cut the piece and you can show the. One by one. Okay. Yeah, show the camera. सो फर्स्टली पूजा जानना चाहूंगी कि 3 साल बाद मुंबई में आप एंट्री मारी हैं, पुणे में आप रहती हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ये 3 साल आपका कैसा रहा, या फिर अब जब आई हैं तो किस तरह का आप मतलब महसूस कर रही है मुंबई में? वेल एक्चुअली 3 साल से मैं पुणे में हूँ क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है और पैंडेमिक के दौरान सब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो मैं भी अपने फार्म हाउस पे थी पुणे में. एंड काफ़ी कुछ हो गया इन 3 सालों में. मेरी एक वीडियो क्लिप है जिसका नाम है पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, जो अब एक वर्ल्ड वाइड वायरल मीम बन चुकी है. मुझे लोग DM करते थे इंस्टाग्राम पे कि पूजा आपका वीडियो वायरल है यूरोप में, पेरिस में लोग उस पर डांस कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में लोग उस पर हंस रहे हैं. मैंने कहा रियली? और मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैंने कहा कि ये लोग मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे, दे आर जस्ट पुलिंग माई लेग. फिर उसके बाद इंडियन ओरिजिन के हॉलीवुड बेस्ड एक्टर कार्ल पेन ने अपने ट्विटर पे पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर को मेंशन किया, और इंटरनेशनल ग्लैम गर्ल क्लोई कार्दाशियन, जो किम कार्दाशियन की बहन है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे मेरे डायलॉग्स गेट ऑफ माय बैक लिखे. तब मुझे समझ आ गया कि इस मीम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और द वर्ल्ड ओवर लोग इसे पसंद कर रहे हैं. इनफैक्ट मुझे रिक्वेस्ट्स आते हैं बर्थडे, एनिवर्सरी, पेप टॉक्स के वीडियो बना के भेजने के लिए. पीपल फ्रॉम अमेरिका, इंग्लैंड, इजिप्ट, मिडल ईस्ट, यू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझसे वो वीडियोज़ बनाते हैं कैमियो पे. So, I can just imagine ki the whole world over, this whole clip craze is just, it's blowing up, it's going wild. Yeah. So, Bollywood mein bhi bahut sare sitare hain jinhone banaya hai, us pe kya kuch bolna chahenge? Haan, Bollywood ke kaafi stars ne is meme ko re-enact aur impersonate kiya hai. Nora Fatehi ne kiya hai aur Janvi Kapoor ne kiya hai. फिर और भी इन्फ्लुएंसर्स है, कुशा कपिला, गौरव गेरा, यूके बेस्ड रैपर ने किया है, कितने सारे लोगों ने किया है, और ये सब देख के मैं बहुत ही हैप्पी. एक मिनट, जस्ट गिव मी, आई विल स्विच इट ऑफ. हु इज इट? सम तेजस. हाँ, आई विल जस्ट स्विच इट ऑफ. We'll just do it again, na? The whole re-enaction wala. Continue. Achha. Okay. Continue. बहुत सारे influencers हैं, जैसे कि कुशा कपिला, गौरव गेरा, और UK based एक rapper हैं, उन्होंने किया है. American based celebrities, TV stars, सब इसे impersonate और re-enact करके TikTok पे videos बना रहे हैं, Instagram reel पे बना रहे हैं. In fact, अभी भी viral है ये. तो ये सब देख के आई फील वेरी ग्रेटफुल, आई फील वेरी हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड. ओके, सो जानना चाहूंगी, जब आप ये क्रिएट कर रही थी तब आपको कुछ ऐसा लगा था कि हाँ ये इतना वायरल जाएगा, और जब ये वायरल हो गया तब आपका क्या कुछ उस पर रिस्पॉन्स आया कि हाँ ये हो गया ऐसा?
जी जब ये क्लिप एक्चुअल में जब ये शूट हो रहा था काफ़ी सालों पहले, तो उस समय मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होने वाला है द होल वर्ल्ड ओवर. उस समय तो मुझे इतना कॉर्नर किया जा रहा था, इतना टारगेट किया जा रहा था बिग बॉस के घर के अंदर, कि मैं तो बेचारी बिल्कुल परेशान हो रही थी. मुझे एक सैंडविच बनानी थी, उसके लिए मैं किचन में जाना चाह रही थी. ये लड़कियों ने ग्रुप बना रखा था, मुझे जाने नहीं दे रहे थे. फिर मैंने अमर और लक्ष्मी को बोला कि प्लीज़ इनसे बात करिए और बोलिए मुझे एक सैंडविच बनाने दे. सैंडविच मैंने बनाई, उसके दौरान आ के बार बार मुझ पर इनडायरेक्ट कमेंट्स पास कर रहे थे, मुझे इंसिन्यूएट प्रोवोक और उत्तेजित करने के लिए. तो मैं परेशान हो गई बिल्कुल. फिर मैंने डस्टबिन किक किया कि भाई ये लोग शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, बहुत इरिटेट कर रहे हैं मुझे. पर बात मोलहिल से कासल बन गई, राय का पहाड़ बन गई. और फिर मैंने ब्रूम भी ब्रेक किया. और मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इतने सालों बाद इतना लोग इसे सराहेंगे, इतना पसंद करेंगे. सो आई वुड जस्ट से दैट इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, इफ़ यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, आपको आपके फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क ज़रूर लेट मिलते हैं, पर मिलते ज़रूर हैं. तो अभी ये जो डिजिटल वर्ल्ड है उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरह का ट्रेंड है, हर मंथ कुछ ना कुछ या फिर हर वीक कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं. जैसे कोई सॉन्ग हो गया या फिर कोई मूवी का डायलॉग्स हो गया या फिर जैसे पुराने कुछ होते हैं उसको रिक्रिएट किया जाता है और वो वायरल हो जाती है. सो इस पर आपका क्या कुछ टेक होगा? हाँ, वायरल ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं. पर मेरी वीडियो क्लिप 2020 में वायरल हुई और अब हम 2022 में हैं. yeah. और अभी तक लोग उसे रीएनैक्ट करके इंस्टाग्राम रील और टिकटॉक पे डाल रहे हैं. तो मैं बोलूँगी कि इस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप की लाइफ बहुत लॉन्ग लिव्ड है, बहुत लंबी रही है, एज अपोज टू अदर वीडियोज़ विच हैव गॉन वायरल. वो वायरल जाते हैं, लोग उनके बारे में फिर भूल जाते हैं. पर मेरा तो 2 साल से चला आ रहा है. सो आई जस्ट से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन. आई फील वेरी हम्बल्ड. ओके, सो अगर बिग बॉस की बात की जाए तो बिग बॉस के जिस तरह से आपकी जर्नी रही है या फिर ये जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर भी अगर बात की जाए तो क्या कुछ अब आता है आपके माइंड में, क्या कुछ मेमोरीज अब याद करती हैं? वेल, बिग बॉस की मेरी जर्नी बहुत ही टफ थी क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा मुझे अकेला करके बहुत परेशान किया जा रहा था. और ये मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है कि मैंने तब भी हार नहीं मानी और मैं 2 महीने वहाँ रह के आई. और फिर मेरी रीएंट्री भी हुई थी बिग बॉस में एंड्रू सिमंस क्रिकेटर के साथ. तो मेरे लिए आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस में. बिग बॉस जाने से पहले घर का काम करना मुझे नहीं आता था, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आता था. और बिग बॉस से ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि लोग एक दूसरे को बैकस्टैब क्यों करते हैं, हिपोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है, और ये सब बातें जो अदरवाइज मैं नहीं जानती थी क्योंकि मैं उतनी स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थी. जब मैंने बिग बॉस में एंटर किया तो मैंने बहुत कुछ सीखा. सो आई वुड जस्ट लाइक टू लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट विद ग्रैटिट्यूड कि जो भी मैंने सीखा अच्छा सीखा. और जर्नी जो भी थी टफ ज़रूर थी, पर थैंकफुली ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सब भला जिसका अंत भला. तो सलमान खान के बारे में क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे, जिस तरह से बॉन्डिंग थी और अब है, जिस तरह से क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि सलमान खान को मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी फ़ैन रही हूँ. और कुछ बॉलीवुड फैमिलीज़ हैं बीच में जो बहुत ही इनसिक्योर हैं मेरी और उनके रैपो को लेके. तो उन्होंने मुझे भड़काया, मुझे बोला कि आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप उनके अगेंस्ट बात करिए. और उसकी वजह से उनकी और मेरी रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेस्ड आउट हो गई. और इस बात को लेके मैं बहुत ही सैड फील करती हूँ क्योंकि एट हार्ट आई एम अ वेरी क्लीन हार्टेड ऑनेस्ट आउटस्पोकन पर्सन. मेरे दिल में किसी के लिए मलाल नहीं है. और जो भी पास्ट में हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ. आई लाइक टू अपोलोजाइज टू हिम एंड लाइक टू मेक अ न्यू स्टार्ट क्योंकि ज़िंदगी में सबको एक नई शुरुआत करने का मौका दिया जाना चाहिए. मेरा बचपना था,
मेरी आप बोल सकते हैं मैं गलिबल थी, कान की कच्ची थी, कि मैं लोगों की बातों में आके मैंने बहुत कुछ बोल दिया. एनीवे अब जो हुआ सो हुआ. अब पैंडेमिक को देख के, इतनी सारी डेथ्स देख के आदमी को ज़िंदगी की ज़्यादा वैल्यू होने लगी है, रिलेशनशिप्स की ज़्यादा वैल्यू होने लगी है. और ये सब मद्देनजर रखते हुए आई थिंक दैट वी ऑल शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड मेक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. सो रियलिटी शो का भी काफ़ी बज बना हुआ है, जैसे बिग बॉस ही अगर जब वो स्टार्ट होती है तो उसका बज बन जाता है, अगर खतरों के खिलाड़ी अगर स्टार्ट होती है टीवी पे तो उसका बज बन जाता है, और अभी OTT प्लेटफॉर्म पे लॉकअप करके शो आया है उसका काफ़ी बज बना हुआ है. क्या आप वो फॉलो कर रही हैं? लॉकअप? या जी हाँ, मुझे लॉकअप के लिए अप्रोच किया गया था. एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया था दिसंबर में, जिन्होंने सारी ही कास्टिंग की है उस शो की. और मुझे बोला गया था बिग बॉस की तरह एक शो आ रहा है, हम चाहते हैं कि आप उसका एक भाग बने. तो मैंने बोला देखिए अब बिग बॉस जैसे डिफ़िकल्ट शो में मैं ऑलरेडी एक हिस्सा बन चुकी हूँ और उसी कंट्रोवर्शियल फॉर्मेट में मुझे वापस नहीं जाना है, तो अगर एंकरिंग का कुछ काम हो तो मैं ज़रूर करना पसंद करूँगी. मुझे क्या पता था कि कंगना एंकर हैं शो के, फिर बात वहीं पर ख़त्म हो गई. पर अब मुझे पता चल रहा है कि वो शो लॉकअप था और OTT प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी लोग उसे देख रहे हैं, पर मुझे लगता है अभी लॉकअप की शुरुआत हुई है, अभी बहुत उसे साल लगेंगे एक पहचान बनाने के लिए बिग बॉस की तरह. तो चर्चा में तो ज़रूर है क्योंकि वो कुछ अलग और नया करने की कोशिश कर रहे हैं, पर काफ़ी इम्प्रोवाइजेशंस अभी भी रिक्वायर्ड है लॉकअप में उसे बिग बॉस के लेवल तक आने के लिए. मैं एक लाइफस्टाइल सीरीज मैंने डायरेक्ट प्रोड्यूस और एंकर की है जिसका नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो हंगामा प्ले ऐप, MX प्लेयर और वोडाफोन पे आने वाली है. ये 8 एपिसोड के आधे घंटे के एपिसोड्स हैं और ये मैंने बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली NCR में, पुणे में शूट किया है. बहुत ही लक्स गुड लाइफ के बारे में ये शो है. इसमें हम सेलिब्रिटीज़, फैशन डिज़ाइनर्स, टॉप शेफ्स सबको इंटरव्यू करते हैं और लोगों को मेकओवर देते हैं उनको चीयर अप करने के लिए. तो एक इंटरेस्टिंग चटपटा सा शो है जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ बहुत बड़ा हिट होने वाला है, क्योंकि मेरी सिस्टर खुद NRI है, सिंगापुर में रहती है, और उसे हमेशा इच लगी रहती है, खलबली मची रहती है कि इंडिया में क्या हो रहा है. तो ये शो आपको सारी इंडिया के कल्चर और गुड लाइफ के बारे में अब्रेस्ट रखेगा. सो आई होप यू लाइक इट. मैंने तो बहुत दिल से बनाया है और मुझे बहुत मज़ा आया बनाते हुए. आई होप यू एंजॉय इट एज मच एज आई एंजॉय मेकिंग इट. ओके, सो आपका बर्थडे चला गया और ये बर्थडे मंथ है, तो किस तरह से ये बर्थडे मंथ जा रहा है, आपका क्या बताना चाहेंगे? बर्थडे मंथ अच्छा जा रहा है. मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था एक NGO में, ऑर्फनेज में, पुणे में, बच्चों के साथ. तो उन्हें बर्थडे केक उनके साथ कट किया, उन्हें गिफ्ट्स दिए, तो वो बहुत खुश हो गए. एंड दैट मेड मी फील हैप्पी बिकॉज द जॉय ऑफ गिविंग सरपासेस ऑल द अदर जॉयज, यू नो, द जॉय ऑफ रिसीविंग इज दिस, द जॉय ऑफ गिविंग इज दिस. तो बहुत मज़ा आता है लोगों के लिए कुछ करने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा चैरिटी वर्क करने में अपने बर्थडे में. और मेरी एक किताब आई है, येस यू कैन बी अ वायरल रियलिटी शो स्टार, जो मैंने पैंडेमिक में पब्लिश की और वो Amazon बेस्ट सेलर बन चुकी है. सो आई एम वेरी हैप्पी बाय द रिस्पॉन्स ऑफ दैट बुक. मुझे 5 साल लगे उस किताब को राइट और रीराइट करने में, फाइनली वो पब्लिश हो चुकी है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट पीपल आर लाइकिंग इट. थैंक यू, गुड लक. So I could just go. बस और क्या.